जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, SRK डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम जामिया, ही जस्ट केम एंड ही लेफ्ट, बट वो ग्रेजुएट किए बिना उस अलुमनाई लिस्ट में, जामिया का अलुमनाई लिस्ट में है, पता है आपको अलुमनाई लिस्ट आप देखोगे ना जामिया की वेबसाइट पे, उस पे है, विच डज नॉट मेक सेंस, लेकिन ठीक है। और अगर सलाम आदाब नमस्कार, मैं हम्माद राशिद और आप दिव्या चैतन्य है जो कि MA मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनसे आज हम लोग जानेंगे कि जामिया मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसका क्या प्रोसेस है और इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है ओवरऑल कोर्स में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी। थैंक यू। और कैसे पता चला जामिया के बारे में? जामिया के बारे में मुझे, मेरे को इंटरनेट के थ्रू बेसिकली, बिकॉज जामिया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंसेस में नहीं था, बिकॉज मेरे फैमिली वाज ऑलवेज अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, सो जामिया कभी क्वेश्चन में आया नहीं, तो मेरे को इंटरनेट के थ्रू एंड SRK के थ्रू पता चला। तो उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह में आपको पता चला होगा, तो मास्टर इस हिसाब से मास कम्युनिकेशन की तरफ आने का आपने कैसे सोचा, और भी कोर्सेज थे? हाँ, तो मैंने एक्चुअली अपना बैचलर्स इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में किया है, सो मेरा मास कॉम में आने का जो था, इट वाज पहले से ही था। इनफैक्ट मैंने जामिया का बैचलर्स का जर्नलिज्म कोर्स के लिए भी दिया था एग्ज़ाम, एंड अपरेंटली उसका जो रिजल्ट था मेरा अच्छा नहीं आया था, बट उसके बाद वो फिर दिमाग से चला गया था, बट मास कॉम हमेशा से बैक ऑफ माई माइंड में था। सो ग्रेजुएशन के बाद आई डिसाइडेड कि ढंग से करते हैं। ओके, तो मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से नहीं है ग्रेजुएशन, जैसे आपने बताया कि आपका लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर, उसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में दो पोर्शन होता है मेजरली अगर देखा जाए, तो एक आपका होता है MCQ बेस्ड और दूसरा जो होता है डिस्क्रिप्टिव वाला। वो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन होता है हमारा, उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं है रिटन वाला जो पोर्शन डिस्क्रिप्टिव रिटन वाला। ओके, सो रिटन वाले के लिए आई सॉल्वड ऑल ऑफ द प्रीवियस जामिया के क्वेश्चन पेपर्स एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रिपीटेड इन फैक्ट। सो आई थिंक वो करने से और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स लाइक रिसेंटली कौन जीता है फिल्म में ऑस्कर, अगर किसी को मिला है, कोई अवार्ड शो हुआ इंपॉर्टेंट, सो वो कौन कौन जीता है, आई थिंक ये सब अगर जान लो ना तो इट हेल्प्स। और मेरा उसके थ्रू हो गया था, इट वर्क मेरे लिए। तो करंट अफेयर वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आप कवर जो कर रही थी, किसी वेबसाइट को फॉलो कर रही थी, किसी यूट्यूब चैनल को, या नॉर्मल न्यूज़ वगैरह से अपडेट रह रही? नॉर्मल न्यूज़ वगैरह भी था, और मैं जो भी अवार्ड शोज थे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं मैं उन पे जाके चेक करती थी, सिंस वहाँ पे यू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए आंसर फ्रेमिंग जो है बहुत मैटर करता है ना, तो उसके लिए क्या आपका कोई राइटिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, या सिर्फ नॉर्मल PYQ उसको देख के उसको सॉल्व करके हो गया, या उससे हट के भी डिफरेंट कुछ टॉपिक्स ट्राई किए थे? सो बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन में लिखने को आता है चीज़ें विच आर वेरी क्रिएटिव, जहाँ पे आपको होना पड़ता है। मैं सिंस इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से थी, तो राइटिंग कम्स नेचुरली टू मी, तो मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा था टू बी ऑनेस्ट, एंड इट वर्कड आई गेस। बस अगर जब तक आप क्रिएटिव वगैरह है ना, और जब तक आपको वो अच्छे से लिखना आता है, तब तक इट वर्क्स। ऑल्सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, बिकॉज यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी में भी अपना एंट्रेंस दे सकते, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज अपने आपको अच्छे से कर पाए आप, जब तक तब तक आई थिंक अच्छा ही जाएगा। कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस के लिए? बहुत सारे लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है SRK की वजह से, जैसे आपने होता है, बहुत सारे लोगों का इसी, लेकिन एक चीज़ बता दिया जाए, SRK इज बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, SRK डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम जामिया, ही जस्ट केम एंड ही लेफ्ट, बट वो ग्रेजुएट किए बिना उस अलुमनाई लिस्ट में, जामिया का अलुमनाई लिस्ट में है, पता है आपको अलुमनाई लिस्ट आप देखोगे ना जामिया की वेबसाइट पे, उस पे है, विच डज नॉट मेक सेंस, लेकिन ठीक है। और अगर जिस बंदे ने ग्रेजुएट नहीं किया वो वहाँ पहुँच गया, तो ग्रेजुएट करने वाले कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे? सो आई थिंक दैट्स व्हाट। ओके, एंट्रेंस रिगार्डिंग बात कर ले, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि उनको किस तरीके से जो है ना डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन, क्योंकि आपका तो लिटरेचर बैकग्राउंड था, आपका वर्क कर लिए चीज़ों को। आई थिंक जितना ज़्यादा स्टोरीज आप पढ़ेंगे एंड जितना ज़्यादा नॉवल्स जैसी चीज़ें आप पढ़ेंगे, मूवीज जितनी आप देखेंगे, जितनी चीज़ें आपको पता होंगी लिखते वक्त, उतना ज़्यादा आप रेफरेंसेज ले पाते हैं, सो यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन योर माइंड, तो आप वो कर सकते हो। सो आई थिंक दैट वुड बी माई वो, कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो तो ट्राई रीडिंग अलॉट, इवन इफ यू आर नॉट इन लिटरेचर। अब आपको भी बता दूँ कि लिखना क्या होता है ना, कि एक तालाब होता है वो जब भर जाता है तो लिखना होता है, एक पानी का बूंद जो है उस तालाब से छलक जाता है, तो वही है कि आप जितनी चीज़ों को पढ़े रहोगे उतनी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, इसलिए कहा जा रहा है कि आप रीडिंग वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह, जिस तरीके से मेरे टीचर थे तो वो हमेशा बोलते थे कि आप अगर मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो या इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो आपको एडिटोरियल वगैरह जो है उसको कवर करना पड़ेगा। तो हम लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या जो एडिटोरियल एनालिसिस चलता है यूट्यूब वगैरह पे, उन सारी चीज़ों को करना चाहिए? मैं एक्चुअली बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ती थी, स्पेशली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, सो आई वुड से कि एडिटोरियल्स पढ़ना इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज आपकी वोकैबलरी वगैरह भी बेटर हो जाती है।